इसमें हमारे दो लक्ष्य हैं, एक तो जो असेवित मार्ग हैं उन मार्गों के ऊपर हम किसी तरह की वैधानिक व्यवस्था को लागू कर सकें और लोगों को परमिट दे सकें। 284 ऐसे मार्गों का हमने चयन किया है। इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग में इंटरेस्टेड होगा उसका भी हमने आमंत्रण किया है कि वो अपनी अभिरुचि व्यक्त कर सकता है। दूसरी हमारी पर्यटन की दृष्टि से जुड़ी हुई है कि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब यात्री अधिक सुविधाजनक वाहन से हमारी यात्राओं में आने लगा है, चाहे वो पर्यटन के रूप में आता है चाहे वो तीर्थयात्री के रूप में आता है। तो उसमें हमें अपने स्थानीय व्यवसायियों को मौका देना चाहिए कि वो उन लोगों के साथ कंपटीशन में खड़े हो सकें और ऐसा ना हो कि पुरानी व्यवस्था या पुरानी चीज़ों को यूज़ करते करते वो धीरे धीरे इस ट्रेड से बाहर हो जाए। तो 9 नवंबर को हम इन रूट्स के नाम के साथ एक एडवर्टाइजमेंट अखबार में देंगे, उसमें एक समय सीमा निर्धारित होगी जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को देना है।